गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन। इससे पहले अपन ने प्रीवियस टॉपिक जो कंसंट्रेशन परसेंट वाला देखा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मींस होता है, ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मींस है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, जिसको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं। और वो धीरे धीरे क्या होता है, बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाता है सॉल्यूशन में, और उनको क्या किया जा सकता है, इजी वे में सेपरेट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से। सस्पेंशन ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट स्प्रेड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। मतलब एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स उसमें क्या रहते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं मिक्सचर में, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, और उनको क्या कर लिया जाता है, स्प्रेड थ्रू आउट, उसको सेपरेट कर लिया जाता है सॉल्वेंट से, और उसी को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। एग्जांपल है मडी वाटर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर सस्पेंडेड इन वाटर। जैसे मडी वाटर होता है, या एक ग्लास में वाटर के साथ सैंड मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे सैंड पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। वो एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उसमें पार्टिकल्स का साइज लार्ज होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स उस ग्लास बिकर में धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम एंड में इकट्ठा हो जाएंगे, और वो जो बॉटम एंड में इकट्ठे पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। आप उसको सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज करके। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इसके प्रॉपर्टीज देखें अपन सस्पेंशन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन 10^-5 cm। तो इन सस्पेंशन पार्टिकल्स का साइज मोर देन मतलब मिनिमम 10^-5 cm से मैक्सिमम हो सकता है, ये साइज होता है सस्पेंशन पार्टिकल्स का। 10^-5 cm से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये साइज तो है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, अभी आगे नेक्स्ट क्लासेज में अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड स्टडी करेंगे फिल्ट्रेशन के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का यूज करेंगे अपन। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स को अपन फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं सीविंग प्रोसेस के थ्रू। तो सॉल्वेंट में से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, जिनको अपन सस्पेंशन पार्टिकल्स भी कह रहे हैं, जो कि सॉल्वेंट में मिक्स्ड प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं होते, उनको अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर करके छान के उनको सेपरेट कर लेते हैं। थर्ड है ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मींस है कि हेट्रोजीनियस, अपन ने इससे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो मिक्सचर के टाइप्स देखे थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर था जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में एक अच्छे तरीके से क्या हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, जिनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो पार्टिकल्स थे उनको अपन क्या कर रहे थे, उनको इजी वे में फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता था, मतलब इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। अब साइज लार्ज होगा तो इनको नेक्ड आई से अपन देख सकते हैं खुली आंखों से। नेक्स्ट है सस्पेंशन पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। सस्पेंशन पार्टिकल्स लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, स्कैटरिंग मतलब फैलाना। आप इसके लिए एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप एक ग्लास, कांच का ग्लास लेंगे, उसमें आप पानी फिल करें, थोड़ी सी आप उसमें सॉइल उसमें मिक्स करें,
और उसके अंदर से आप क्या करें, एक टॉर्च लें, टॉर्च ऑन करके उस ग्लास में से, मडी वाटर ग्लास में से जब लाइट पास करेंगे तो आप देखेंगे टॉर्च की लाइट को सस्पेंशन पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और एक आपको उस ग्लास से लाइट का एक पाथ आपको नज़र आएगा। तो ये सस्पेंशन पार्टिकल्स की क्या थी प्रॉपर्टीज अपन ने स्टडी करी, यूज़ देखें इसका। ए सस्पेंशन ऑफ ए बेरियम सल्फेट, एक बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ये बेरियम सल्फेट जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो बेरियम सल्फेट एक तरह से सस्पेंशन की तरह वर्क करता है, मतलब बेरियम सल्फेट उस वाटर में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता और एक टाइप का ओपेक्यू मीडियम बना लेता। ओपेक्यू मीडियम अपन ने स्टडी किया हुआ छोटी क्लास में, एक ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होता है ओपेक्यू और एक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा होता है जिसमें लाइट रेज क्या हो सकती है, मीडियम चेंज कर सकती है ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसल्यूसेंट था जिसमें से कम्प्लीटली क्या नहीं होती, वो पास नहीं हो पाती। ओपेक्यू मीडियम जिसमें से पूरी तरह से पास नहीं हो पाती लाइट रेज। तो ये बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वाटर में यदि मिक्स कर दिया जाता है तो एक ओपेक्यू मीडियम बन जाता है जिससे क्या नहीं होती है, एक्स रेज पास नहीं होती। एक्स रेज होती जो एक्स रे वगैरह करने में यूज होती, जो कि हार्मफुल होती, कैंसर के लिए रीजन होती है। तो ये एक्स रेज बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को जब वाटर में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको क्या नहीं कर पाती, उसके लिए वो एक्स रेज के लिए वो ओपेक्यू मीडियम की तरह बिहेव करता है। इसलिए इसका डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहाँ एक्स रे वगैरह करे जाते हैं, तो वहाँ इसका यूज होता है बेरियम सल्फेट। तो ये यूज है एक टाइप के सस्पेंशन सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।